ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। बच्चू अब ये नहीं करना। अरे बाबा क्या नहीं करना, अच्छी चीज की तो तारीफ करनी चाहिए ना। मैं ड्रामे की नहीं आपकी ये सुरसुर की बात कर रही हूँ। अरे नहीं बाबा, ये मेरी आवाज नहीं है, ये चाय की आवाज है। लेकिन पी तो आप रहे ना, तो आपकी आवाज हुई। अरे नहीं बाबा, चाय की आवाज है चाय। अब देखो ना बाबा, पानी पीता हूँ उसकी आवाज आती है नहीं ना, खाना खाता हूँ उसकी आवाज आती है नहीं ना, तो बाबा तेरी चाय की आवाज हुई ना। अच्छा अगर ऐसी बात है तो यही चाय मैं भी पीती हूँ, मेरी वाली में से आवाज नहीं आती। हाँ बाबा सवाल तो अच्छा है, मुझे लगता है ये चाय ना ठीक नहीं है। इस दफा मैं राशन वाले को बोलूंगा, बाबा वो चाय दो जिसमें सबकी एक ही आवाज हो। अल्लाह बच्चों मैं कैसे समझाऊं आपको, ये तमीज के दायरे से बाहर होती है बात, चाय पीते आवाज नहीं आनी चाहिए। रुके मैं पी के बताती हूँ आपको, देखिए आई आवाज। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा ना बाबा। हेलो क्या अर्जेंट मीटिंग, पहले से लाइनअप क्यों नहीं करते तुम लोग। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, हाँ ठीक है आती हूँ। अरे मुझे गाँव की बहुत याद आ रही है बाबा, दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव चला। बच्चू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे बाबा वो मुझे ना अपने गाँव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए अपनी गाय से बातें कर रहा था। बच्चू आपने अभी तक शहर के तौर तरीके नहीं सीखे, मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अजीब बात है बाबा, इसमें आपका क्या जाता है। लोग तो बातें करते हैं ना, बदनामी होती है। अरे बाबा लोगों की बातों को छोड़ो, ये बताओ आप किधर जा रही हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। हाँ बाबा जाओ जाओ जाओ, मैं अकेले बैठ के अपने गाँव को याद करूंगा बाबा, जाओ मजा आएगा आज। अरे बाबा लस्सी पीनी चाहिए। जाने जाने किधर रह गया बाबा, इधर आओ, किधर रह गया। आया 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 जी जी। अरे बच्चू भाई आज नीचे गिरे हुए, खैरियत तो है। अरे बाबा जाने इधर आओ बाबा बैठो। अरे बैठो बाबा नीचे। हाँ बाबा नीचे गिरा नहीं हूँ बाबा, बैठा हुआ हूँ, गाँव की याद ताजा कर। इतना अरसा गुजर गया लेकिन दिमाग से गाँव अभी भी नहीं जा रहा, हैरत है। अरे बाबा इसमें हैरत की क्या बात है, हमें फख्र है कि हम गाँव वाले हैं बाबा, ऐसी बात नहीं है। एक काम करो बाबा, जाओ जाकर लस्सी बना कर लाओ, मैं बाहर बैठा हूँ अपनी गाय के साथ बैठ कर लस्सी पी। इसका मतलब बाल्टी बनाना पड़ेगी, गाय भी तो पिएगी ना। अरे बाबा क्यों पागलों वाली बात करता है बाबा, लस्सी मैंने पीनी है, वो असली गाय थोड़ी जो लस्सी पिएगी। बाबा लस्सी की आवाज आ रही है, मैं भी लस्सी पीऊंगी। बच्चू भाई अब तो बाल्टी बनती है। अरे बाबा तभी से बात करो, बहन है मेरी, भैंस नहीं है। अगर भैंस होती भी तो भला भैंस तो कौन सा पी लेती। अच्छा भाई यहाँ तो वो वाली बात हो गई, भैंस के आगे लस्सी बनाना। अरे बाबा भैंस के आगे लस्सी बनाना नहीं बीन बजाना होता है, मिसाल तो भला तुम ठीक दो, अभी तो मैंने तुमको बताया कि भैंस लस्सी नहीं पीती। बीन कौन सी समझ जाएगी, चलो मैं जरा सामान लेके आता हूँ लस्सी का। बाबा जाओ जाओ लेकर आओ बाबा। नमक थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ बाबा तुम सब लोग आ जाओ, आज मैं तुम लोगों को ना गाँव का मजा कराऊंगा बाबा, गाँव का। हाँ बाबा इसी घर में और कहा। अरे असल में बाबा मेरी बीवी जो है ना आज पूरे दिन के लिए बाहर गई है, आजादी आजादी है बाबा, आ जाओ आ जाओ बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जानी, अरे ओ जानी किधर है बाबा, जानी गया, अभी तो सामान लेके आया हूँ सारा। हाँ बाबा कोई बात नहीं, बना लेना बस दो चार गिलास लस्सी के ज्यादा बना लेना। आप ही का पेट है ना। अरे बाबा मेरे लिए नहीं,
मेरे लिए कह रहे तो थैंक यू, मेरा कोई मूड नहीं है। अरे बाबा तुम्हारे लिए भी नहीं। फिर क्या दरख्तों में डालेंगे क्या? अरे बाबा मेरे दोस्त आ रहे हैं ना उनके लिए। कहा भी था बाल्टी बना ले, वो भी मना कर दिया। अरे बाबा बकवास मत करो, जाओ जाकर लस्सी बनाओ और हाँ साथ में बाजरे की रोटी और भाजी भी बना लेना। मैं अपने दोस्तों के साथ गाय के सामने बैठ कर ना खाऊंगा। बच्चू भाई मुझे लगता है गाँव बहुत याद आ रहा है, हाँ हाँ मैं परेशान किया हुआ। मैं काम करता हूँ, बस का टिकट ले आता हूँ, उसमें बैठ के चले जाए। बकवास नहीं करो जानी। अच्छा मैं समझ गया, दोस्तों का भी ना वो भी मैं ले आता हूँ। बकवास मत करो जानी, जाओ जाकर पापा काम करो, कम चोर नहीं तो। एक तो इतनी बकवास बकवास आप बोले जा रहे, कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाला करे, हर वक्त डांटते रहते हो। काम नहीं करते बकवास करता रहता है। अरे बाबा जानी क्या कर रहे हैं, मेरे दोस्त आ गए बाबा। हमेशा आपने लस्सी बनाई है, आज मौका मिला है मैंने सोचा जम के लस्सी बना। अरे बाबा वो बाजरे की रोटी और साग फौरन बनाओ बाबा, भाजी भी साथ बनाना, मेरे दोस्त बाहर आ गए। बच्चू भाई अपने दो हाथ यहीं छोड़ के चले जाएं, इन दो हाथों से तो एक वक्त में एक ही खाना बन सकता है। नहीं नहीं बाबा बनाओ बनाओ बनाओ, और हाँ एक बात याद रखो, ये सारी चीजें ना एक साथ लाना वरना मजा नहीं आएगा। आए बाबा एक और बात। हाँ मैं समझ गया, अपने हाथों से उनके मुंह में भी ठोस दूं। अरे नहीं बाबा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना जल्दी से लेकर आना, मुझसे ना गांव की जिंदगी गुजारने का इंतजार नहीं हो रहा है। वाह क्या यश लग रहा, सही हो गई। हाँ कर रहे हो? नहा रहा हूँ। लस्सी से नहा रहे हो क्या? ओहो जब तुम्हें पता है कि लस्सी बन रही है तो फजूल सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे बाबा मैं ये पूछना चाह रही थी कि भला मेरे को कब मिलेगी? जब लस्सी बन जाएगी तो मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मेरे को जो है ना उसके साथ साग और बाजरे की रोटी भी देना। हाँ बनने तो दो बनने तो दो। और ये अचानक पता नहीं ये गांव का भूत कैसे सवार हो गया? बाबा मेरे पे नहीं चढ़ा बड़ा, मैं तो बिल्कुल शहरी होकर बहुत खुश हूँ। आप शहरी बन के खुश नहीं है, शहरी बनने की खुशफहमी में है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप खुशी खुशी अंदर जाए, जैसी बनता है मैं बना के लाता हूँ। अच्छा चलो भला ठीक है, जब तैयार हो जाए ना तो खुद भी आ जाना। मुझे इस बला से बचा। आमीन। ऐसा क्या हो गया तुझे आज अचानक गांव की याद कैसे आ गई? अरे बाबा वो मेरी बेगम जो है ना वो पूरे दिन के लिए कहीं बाहर गई है, तो मैंने सोचा आज गांव की जिंदगी गुजार। आए हाय हाय हमें भी कभी अपने साथ असली वाले गांव ले चलो। अरे बाबा पहले यहाँ की तो प्रैक्टिस कर लो, फिर गांव भी ले चलूंगा। तो हमें प्रैक्टिस में क्या करवाओगे आज? अरे बाबा यहाँ गाय के साथ बैठ कर ना भाजी और साग खाएंगे, लस्सी भी पिएंगे। लेकिन तेरी गाय है कहाँ? अरे बाबा पीछे खड़ी है, इसको नजर भी नहीं आती है, कैसी बातें करता है। लेकिन पीछे तो कुछ भी नहीं है। अरे बाबा क्या करते हैं? अरे मेरी गाय बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा मेरी गाय किधर गई है? मुझे लगता है वो भूखी होगी ना बेचारी, तो इसलिए बाहर घास खाने निकल गई होगी। अरे बाबा बकवास नहीं करो, घास कैसे खाने जा सकती है? बाबा चलो गाय ढूंढ दे, देखो बाबा किधर है। आजो बाबा, बाबा आजो आजो। किधर रह गई मेरी गाय? हाँ बाबा मिली गई गो? नहीं मिली हमें। अरे बाबा एक काम करो तुम लोग इधर दोबारा देखो, मैं इधर जाता हूँ बाबा, जाओ जाओ। अरे बाबा पता नहीं किधर चली गई। अरे बाबा आपने मेरी गाय देखी है? नहीं नहीं देखी बाबा। नहीं, नहीं। अरे बाबा मैं किधर ढूंढूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा तुम लोगों ने गाय देखी है? हाँ बहुत देखा है। अरे बाबा कहाँ देखी है? कब कहाँ क्या मतलब, सड़कों पे देखी है, बाड़ों में देखी है, और कहाँ देखी होंगी? अरे नहीं बाबा मैं अपनी गाय की बात कर रहा हूँ। हमें क्या पता आपकी गाय कौन सी है? अरे बाबा वो लकड़ी की बनी हुई गाय है बाबा, वो देखी है? लकड़ी का मुजस्मा? ऐसा कौन सा इनकलाबी काम कर दिया गाय ने जो उसका लकड़ी का मुजस्मा बनवा दिया? अरे बाबा वो मेरी गाय है, मेरी गऊ है। चल भाई पागल लगता है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। अरे बाबा पागल नहीं है हमारी जान है, वो बात करता है। बच्चू किधर पहुंच गया? कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा अरे क्या हुआ बच्चू मिली? अरे नहीं बाबा कहीं नहीं मिली मेरी गाय, मुझे नहीं पता मुझे मेरी गाय चाहिए। अरे भाई आखिरी दफा कब देखा था? अरे बाबा सुबह उसके साथ बैठ के मैं बातें भी कर रहा था, पता नहीं कहाँ चली गई है। यार हौसला कर, यहीं कहीं होगी आ जाएगी। अरे बाबा ऐसे कैसे, जिसने भी किया ना उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ साग भाजी और लस्सी कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है।
अरे बाबा यहाँ मेरी गाय गुम हो गई है, तुम लोगों को खाने पीने की पड़ी है। अरे यार तू घर में पूछ किसी नौकर वगैरह से। अरे बाबा अच्छा याद दिला है बाबा, अभी पूछता हूँ। जानी ओ जानी जरा बाबा। आया आया ये ले जी ठंडी ठंडी ये, और ये लीजिए जनाब। वाह 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 ये ले जी। जी जनाब गर्म गर्म लस्सी और ठंडा ठंडा खाना, मेरा मतलब ठंडी ठंडी लस्सी गर्म गर्म खाना। अरे बाबा तुम्हें खाने पीने की पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको खाने पीने की पड़ी हुई थी, और अब आप क्या हो गया आप? ये बताओ बाबा मेरी गाँव कहाँ है? क्या मतलब वही होगी जहाँ होती है? अरे बाबा वहाँ नहीं है। हैं? एक मिनट मैं देख के आता हूँ। जाओ जाओ। वाकई गायब है? अरे बाबा यही तो मेरा सवाल है कि मेरी गाँव कहाँ गई? आप लोग तो वहाँ बैठे हुए थे, आप लोगों को पता, मुझे क्या मालूम। अरे बाबा हम जब से बैठे हैं ना तब से गायब है। ये तो बहुत ही बुरी बात है, बस आने दो फिर अच्छे से खबर लूंगा उसकी मैं। यानी बकवास ना कर, मेरी गाँव को ढूंढो बाबा। बच्चू साहब मैं कहाँ से ढूंढू? बच्चों मेरी मान ले वो घास खाने बाहर निकली होगी। अरे बाबा उसने घास खानी होती तो घर की खा लेती ना। भाई बच्चों भाई देखें, घर का खाना खा खा के हम भी बोर हो जाते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, हो सकता है वो भी घर की घास खा खा के बोर हो गई हो और आज जरा बाहर की घास खाने गई हो। तुम सब लोग ना किसी काम के नहीं हो, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है, मेरी गाँव के साल में होगी। बच्चों साहब हौसला रखे, ठंडी ठंडी लस्सी पिए, खाना खा, शाबाश। अरे बाबा तुम लोग जाओ यहाँ से, कोई कुछ नहीं खाएगा बाबा जब तक मेरी गाँव नहीं मिल जाती। यार थोड़ा तो चखने देना यार। अरे नहीं बाबा कोई नहीं चखेगा बाबा, चलो जाओ यहाँ से। लस्सी पीने दो यार। अरे लस्सी पीने दे बाबा, मना कर दिया, जाओ। अरे यार इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे बाबा बस कह दिया ना, बाहर निकलो, मेरा दिमाग खराब नहीं कराओ। जा रहे हैं जा रहे हैं। भैंस जैसा दिमाग खराब करके हमें क्या मिलेगा? अरे बाबा जाओ, बक बक नहीं करो बाबा, जाओ। तुम जरूर खाया करो, जाओ शाबाश, जाओ जाओ बाबा जाओ। अब मैं कुछ बोलूं? अबे जा बाबा बाहर जाके बोलना, बाहर जाके बोल और गाय से बोल। अरे बाबा जानी मुझे सच सच बताओ मेरी गाँव किधर है? बच्चू भाई मैं सफाई जरूर करता हूँ और आज भी मैंने की थी सफाई, लेकिन हराम है जो अपना प्लान बता के गई हो कि किसके साथ भागने वाली है। इधर आओ बाबा, इधर आओ, तलाशी लो बाबा। आप भी पुलिस वालों की तरह तलाश लेंगे? क्या भला वो ऐसे ही करते हैं? हाँ एक दफा का जिक्र है, मेरे दोस्त की ना बाइक चोरी हो गई, तो पुलिस वाले आए और शक की बुनियाद पे ना सारे दोस्तों को जमा कर लिया और फिर उनके बटवे चेक कर रहे हैं, उनकी जेबें चेक कर रहे हैं। भले बताओ जेबों में और बटवों में कौन बाइक रखता है? ले ले तलाशी, आप भी ले ले, ले ले तलाशी। रहने दो बाबा, पता नहीं मेरी गाँव की हालत में हो गई। दा भला दफा भी करो, आओ आप और मैं मिलके साग लस्सी और बाजरे की अच्छी रोटी खाते हैं। कैसी बातें करती है तू, बिल्कुल शहरी हो गई है, तुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है मेरी गाय का। अदा भला क्या हो गया, कौन सा असली थी जो तुम्हारा कलेजा फटा जा रहा है? लकड़ी की थी दोबारा बना लो। अरे बाबा नहीं, मुझे वही वाली गाँव चाहिए बाबा, मुझे उससे मोहब्बत है बाबा, मैं उससे अपनी राज की बातें करता था, दिल की बातें बताता था बाबा, वो भी मुझसे बातें करती थी और मुझसे मोहब्बत करती थी। बच्चू भाई ये सीमा मैडम के बारे में पूछ रहे हैं या गाय के बारे में? तभी इससे बात करो, काम करो अपना, बदतमीजी करता है मैडम के बारे में। मेरी गाँव मदरी गाँव के हटा, और तू यहाँ क्या घड़ी हंस रही है, चल मेरे साथ। चलो मजा आया, अच्छा वो तेरे को दड़के पड़े पड़ा है। मजा आया इसको, मजे लगे पड़े और इधर हमारी जान पे बनी हुई है मजे। या अल्लाह कब इस घर से जान छूटेगी मेरी, बताओ बता, 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 काम छोड़ के इसकी गाय ढूंढने जाऊं मैं, छोड़ो यार। अगर सीमा घर पे नहीं थी तो आप हमें बता नहीं सकते थे, हम बाहर से वापस चले जाते। तो मेरा क्या होता? क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब ये था कि सीमा मैडम पूछती ना कि मेरी दोस्तें आई हैं, उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, ये मतलब था मेरा। वैसे आप नौकर कहीं से लगते नहीं है। शायद आपने ठीक से मुझे देखा नहीं। अब देखें जी, अब कैसा लग रहा हूँ? नहीं नहीं इसके कहने का मतलब कुछ और था। अरे बाबा जानी, अरे आप लोगों ने मेरी गाँव को कहीं देखा है? मेरा मतलब है वो जो गाय का मुझे इसमें बाहर रखा था उसको कहीं देखा है? जी हाँ। क्या बाबा कहाँ देखा है? बाहर गार्डन में आपके घर के। अरे नहीं बाबा वो तो मैंने भी देखा था, कहीं बाहर घर से बाहर तो नहीं देखा है। दरअसल आज बच्चू भाई की जो गाय है ना उसका मुजस्मा चोरी हो गया, तो इस वजह से थोड़ी परेशान है। आपको किसी पे शक है? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? बाबा शक तो मुझे तुम पर ही है। देखी का तो जमाना ही नहीं है, एक तो इतनी सफाई करो, ख्याल रखो, देखभाल करो, और शक भी हम पर ही। बच्चू भाई अगर जानी ने लिया होता तो घर में ही होता ना। कितनी अकलमंद है आप, आपके वालदैन को कैसा लड़का चाहिए? कामकाज के लिए। रहने दे, आप समझी नहीं।
बच्चू भाई मेरे ख्याल से आप पुलिस की मदद ले लें। अरे बाबा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी गाय। अरे बाबा मैं ढूंढ के आता हूँ। बच्चू भाई गए। अच्छा शुरू से बताओ कि सुबह से अब तक क्या क्या किया। अरे बाबा अच्छा बाबा बताता हूँ बाबा, मैं सुबह जब सो के उठा मेरी आंख खुली बाबा, तो थोड़ी देर में लेटा रहा, उसके बाद मैंने एक करवट ली। हाँ उसके बाद मैंने सोचा कि बाबा अब उठूं या मजीद लेटा रहा, फिर मैंने एक और करवट ली बाबा, उसके बाद मैंने सोचा कि काफी देर हो गई है मुझे अब उठ जाना चाहिए, फिर मैंने उठने के लिए एक और करवट ली बाबा। बस बस ये करवटें बदलने वाली बातें किसी रोमानवी नावल में लिखना, मुझे तो बस गाय का बताओ। अरे बाबा अभी तो बताया, अच्छा गाय के बारे में अभी बताता बाबा बताता। जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं, लगा के रखा है रट्टा। खट्टा मीठा कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। खट्टा मीठा कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। खट्टा मीठा। आपने सुबह देखा तो गाय मौजूद थी, थोड़ी देर बाद देखा तो गाय नहीं थी, और इस दौरान वहां कोई आया गया भी नहीं, और जानी भी किचन में काम कर रहा था, इसका मतलब तो फिर साफ है। बाबा क्या मतलब है? ये कि आपकी गाय खुद भागी है। अरे बेग साहब कैसी बातें करते हो, वो कैसे भाग सकती है? क्यों गाय क्या अपाहज थी? अरे बेग साहब कैसी बातें करते हो आप, वो तो लकड़ी की बनी हुई गाय है बाबा, वो कैसे भाग सकती है? और तुम लकड़ी के मुजस्मे के लिए इतना परेशान हो, तुमने तो मेरा वक्त ही जाया कर दिया सारा। इसे क्या हुआ अब? अरे बाबा वो आपके लिए लकड़ी की गाय होगी बाबा, मेरे लिए तो जीती जागती गाय थी बाबा, उसको देख कर मुझे अपने गाँव की याद आती, उसको देख कर मुझे अपने बाबा जानी की याद आती, उसको देखकर मुझे अपनी भैंसों की याद आती थी बाबा। क्या बात थी मेरी गांव की, जब मैं उदास होता था ना बाबा, तो मैं बैठ के अपनी गाय से बातें करता था बाबा, बातें करता था। और मुझे तो मामला कुछ और लगता है, इतना तो ये अपनी बीवी सीमा के लिए भी कभी परेशान नहीं हुआ। बेग साहब मसला ये है कि अदा के लिए वही सब कुछ थी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, वरना तो इस तरह मेरा बेचारा आधा पागल हो जाएगा, और अगर ये पागल हो गया तो इसका सारा इंजाम मुझ पे लग जाएगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि अखबार में इश्तिहार छपा दें, जो इतना देगा उसको इतना इतना इनाम दिया जाएगा। हाँ बाबा लेकिन इनाम कितना? अच्छा तो ठीक है फिर छपा दे 10,000 रुपए का इश्तिहार। अरे बाबा 10,000 की क्या बात करता, 1,00,000 रुपए लिखवाओ बाबा, मेरी गाँव है। क्या 1,00,000 रुपए? चलो बाबा किधर गए? मेरा ख्याल है ढूंढने गए बगैर वक्त जाया किए। अच्छा बाबा जानी एक काम करो, तुम जो है ना वो सारे अखबारों में छपा दो कि मेरी गाय गायब हो गई, जो ढूंढ के लाएगा उसको 1,00,000 रुपए देंगे, और हाँ बाबा नंबर मेरा देना। चलो मैं अभी जाता हूं। जाओ बाबा जाओ। शाबाश। हाँ बाबा हम तुमको समझाता है बाबा, तुमने गुलिस्तान जोर देखा ना बाबा, हाँ बाबा जोर मोड़ दे सीधा आओ बाबा, चौथी गली में अंदर मुड़ जाना, खट्टा मीठा हाउस आ जाएगा बाबा, बड़ा आसान रास्ता है। हाँ बाबा उधर आ जाओ। अरे हाँ बाबा तुम्हारे नाम की रकम भी मिलेगी, तुम्हें किराया भी दूंगा, बस आ जाओ बाबा आ जाओ। चलो पाक तेरा शुक्र है। जानी जरीना। अरे बाबा किधर है जानी? मजा आ जाएगा बाबा, मजा भी नहीं। अरे अरे बच्चू भाई आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बाबा जानी और पापा साथ आ रहे हैं क्या? अरे बाबा वो बेग साहब को बता देना कि मिल गया, वरना बेचारा खाम खा परेशान होगा। ये कौन है? अरे भाई यही वो चोर है जिसने आपकी गाय चुराई है। लेकिन बाबा फोन पे तो। अरे वो मैं ही था, आपका मुजस्मा ला रहा था कि ये मिल गए, और इन्होंने मुझे बहुत धोया है। बकवास बंद कर, चुप कर रहे।
यही वो चोर है जिसने आपकी गाय चुराई थी और इसने अब सामने सारा उगल दिया है, ये भी आपके सामने और आपकी गाय का मुजस्मा भी आ गया है। अब लाए मेरे इनाम की रकम। अरे बाबा सबर तो करें बेग साहब, इनाम की रकम पहले पूछे तो सही इसने किया की और किसके कहने पे किया है। हाँ वे, ये बता तूने ये सब किया किसके कहने पर है, कौन है तेरे पीछे? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मुझे तो बस एक नंबर से फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि वो इससे बहुत तंग है, इसको चोरी करने के पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। फिर मैंने इश्तेहार देखा, उसमें 1,00,000 रुपए नाम। मैंने सोचा कि 10,000 उनको वापस देने के बाद 90,000 रुपए बचेंगे, तो बस यही था, बाकी मुझे और मालूम कुछ नहीं है। अरे बाबा एक काम करो, उसको कॉल मिलाओ, बात कराओ, कौन है जरा, देखूं उसको, छोड़ूंगा नहीं मैं। मिलाओ मिलाओ। हाँ हाँ, कितनी दफा फोन करोगे? बोला ना पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। और हाँ बात सुनो, उस कचरे जैसे मुजस्मे को आग भी लगानी है, समझे? हेलो जी जी Hello? जी अरे बाबा ये आवाज जानी पहचानी लग रही है, ये तो मैडम सीमा की आवाज लग रही है। हाँ, ये बोड़म है, ये बोड़म। हाँ बाबा सीमा। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? खैर मेरा नाम किसी को नहीं बताना, उसके 5,000 अलग से ट्रांसफर करना, समझे? और हाँ आग जरूर लगाना, और अब दोबारा फोन नहीं करना, मैं घर पहुँचने वाली हूँ। ओए घोड़ा रे घोड़ा सीमा। अच्छा बाबा तुम तो जाओ ना बाबा, तुम्हारा मसला नहीं है, तुम जाओ बाबा। अरे बाबा मेरे इनाम की रकम तो दो मुझे। अरे बेग साहब सबर तो करो, सदमे से तो बाहर आने दो। सीमा ऐसा कैसे कर सकती है? अरे बाबा देखो कौन है बाहर। अबे मैं देखता हूं, मैं तो उन तो हटाएं। अरे बाबा रकम तो दो मेरी इनाम की, पहले ही देर हो गई है, तुम लोगों ने रकम दबा ली है, दे रहे हो नहीं दे रहे हो? अरे बाबा सबर करे बेग साहब, मिल जाएगी इनाम की रकम। अरे मैडम सीमा मैडम आइए। क्या बात जाने, तुम इतने घबराए क्यों? वो आपने जो स्कीम बनाई थी ना वो पकड़ में आ गई, तुमको पता चल गया क्या? ये तो सीमा की आवाज है, आ पकड़ो बाबा, आ जाओ आ जाओ। जानी कौन है? अरे सीमा सीमा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाबा, तुमने गलत किया। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं बताती हूं कि मैंने क्यों किया। नहीं बाबा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे बाबा मेरे पैसे मेरी इनाम की रकम तो दो। अरे बेग साहब आप तो चुप करो यार, इनाम की रकम मिल जाएगी बाबा, सबर करो, मुझे सीमा से बात करने दो। हटे जानी सीमा, हटे जानी, कोई बात नहीं बेग साहब, इधर आ जाओ ना जरा बाबा। मैडम ना सही, मैडम का मैनेजर ही सही, पकड़ो। मीठा नहीं बाबा, मैं तो 2-4 दिन बहुत बिजी हूँ। बच्चों तुमने मेरे साथ जीने की कसमें खाई थी। हाँ बाबा जीने की कसमें खाई थी, मरने की थोड़ी खाई थी। हाँ क्या हुआ? वो कह रहे हैं डॉक्टर खुद एडमिट है, किसी हकीम को ला रहे हैं। अरे बाबा फोन किया? हाँ मैंने फोन कर दिया, वो हकीम साहब को ला रहे हैं। जरूर तुमने को झगड़ा किया है, गड़बड़ की है। ये मेरी बात समझ में नहीं आती है, हर बाप को ये क्यों लगता है कि उसके मियाँ ने झगड़ा किया होगा? तुम बताओ सीमा बात क्या है जी? बाबा मैंने मुर्गी खा ली थी। जिंदा? खैरियत है, कौन हो? अरे हमारी खैरियत कोई पूछे या ना पूछे, हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। समझा रही मैं? हमारी बात कोई समझे या ना समझे, हम इस बात का भी बुरा नहीं मानते। भाई हम बुरा मान सकते हैं ये बता दूं मैं आपको। अरे बाबा वो दवाई नहीं मिली, वो मेडिकल स्टोर बंद है। अरे तो ताला तोड़ देते, बीवी से ज्यादा है क्या? अरे क्या बात करते हैं शौकत भाई, पुलिस वाले भी खड़े थे। क्यों वो भी दवा लेने आए थे? मीठा।